डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स की क्यों जरूरत पड़ गई है ये अभी हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिज्म क्या होता है और मशीन्स क्या होते हैं। तो हमें पता चला, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन्स में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स को मैकेनिज्म बोल दिया, अब मैं डायनामिक्स ऑफ मशीन में क्या कर रहा हूँ कि मैं एक इनपुट दे रहा हूँ एंड टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट, ये मैं देख रहा हूँ। ये डायनामिक्स ऑफ मशीन में देखना है। एंड इन दैट केस वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्सेस एंड कपल्स। इनर्शिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट केस, इसीलिए इसको मैंने अलग से लिया। इनर्शिया फोर्स, एवरीवन नोज अबाउट इनर्शिया फोर्स, बहुत बेसिक है ये, 10th क्लास की चीज। बट क्या इसका रोल है डायनामिक्स ऑफ मशीन में, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो सब आज की क्लास में हम देखेंगे। तो एक रोड मैप टाइप का है कि क्यों मुझे इनर्शिया की जरूरत यहां पड़ रही है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि काइनेमेटिक जो डेटा है आपका, जो आपने थ्योरी ऑफ मशीन्स में पढ़ा था, तो थ्योरी ऑफ मशीन्स में आपने काइनेमेटिक डेटा में देखा था, डिस्प्लेसमेंट से बात की थी मैंने, फिर मैंने वेलोसिटी देखा था, एंड देन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं, वेलोसिटी को x डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, एंड एक्सेलरेशन को x डबल डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, तो एक रोड मैप टाइप का है। तो सबसे पहले मैं, अब क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोगों ने पढ़ा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने स्टैंडर्ड बार्स लिए थे जिसका रेक्टेंगुलर शेप होगा या सर्कुलर शेप होगा, फिर हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में उसको लिंक में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो मैं एक लिंक टाइप की चीज ले रहा हूं कि अब मेरा जो कंपोनेंट है वो किसी भी शेप का हो सकता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन इज कनेक्टिंग रॉड, यू आर गोइंग टू स्टडी इन दैट डायनामिक्स ऑफ मशीन। सो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूं, तो जब भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात किया, कोई भी लिंक होगा उस लिंक पे मेरा सिर्फ फोर्सेस का एनालिसिस दिया था, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं तो इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने जैसे मान लो किस मटेरियल का है, मान लो ये माइल्ड स्टील का है, इसमें मैंने स्ट्रेसेस निकाल ली थी सिग्मा, और इसका कुछ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था या ठीक है ई, इसकी कुछ वैल्यूज होती थी मेगा पास्कल में या गीगा पास्कल में। ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट कर दिया। और इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट रखे थे वो स्टैटिक कंडीशन में हो रहा है, यानी अगर इस पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से इस पे लोड लगाऊं और इस लोड को इसको स्ट्रेच करूं, यानी इलोंगेट करने की कोशिश करूं, तो इसमें कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि स्ट्रेसेस इसमें जनरेट होगी, और सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं मान रहा हूँ कि एक जगह से फिक्स्ड है और उसमें मैं फोर्सेस लगा रहा हूँ, और उसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है स्ट्रेसेस, उसकी स्टडी की थी मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिर मैं गया आगे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में। तो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स में जब मैं गया, तो वही लिंक है। अब इस लिंक के केस में मैंने क्या किया, इसके केस में मैंने मास को कंसीडर्ड नहीं किया, ना ही मोशन को कंसीडर्ड किया, दोनों को नहीं किया, सिर्फ एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है उस पे लोड लग रहा है, लोड का क्या इफेक्ट है वो देखा। जब मैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स में आया, तो मैंने इसमें मास का इफेक्ट नहीं देखा, सिर्फ किसका इफेक्ट देखा, मोशन का इफेक्ट। यानी विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द मोशन। किसी एक लिंक को अगर मैं मोशन दूंगा, तो उस पूरे मैकेनिज्म दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक में कैसे वो मोशन को ट्रांसमिट करे। तो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स में मैंने यहां पर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डायग्राम देखा। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये दोनों, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन या काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स में देखा। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा ये सब्जेक्ट बनेगा, दैट इज डायनामिक्स ऑफ मशीन। अब आप इस लिंक पे क्या कर रहे हो, यो डायनामिक्स ऑफ मशीन में अब आप मास भी कंसिडर्ड करेंगे, मोशन भी कंसीडर्ड करेंगे, एंड कॉज ऑफ मोशन भी कंसीडर्ड करने वाले। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिंपली वी आर जस्ट अप्लाइंग द फोर्स एंड उसमें स्ट्रेसेस जो इंड्यूस हुई उस पर बात करेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स में हम लोगों ने सिर्फ मोशन की बात की थी, बट इन दैट डायनामिक्स ऑफ मशीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी
द मोशन कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. तो इसी में मैं मशीन्स के बारे में पता करूंगा कि जब मैं कोई इनपुट दे रहा हूं एंड टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट. ठीक है, नाउ अब जब मैं बात कर रहा हूं इसमें, तो जो फोर्सेस लगेंगे इसमें, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, दैट इज इनर्शियल फोर्स या इनर्शिया फोर्स. इनर्शियल फोर्स, अगर इनर्शिया फोर्स की मैं बात करूं तो दैट इज गिवन बाय, मान लो एफ आई दैट इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, दैट एफ इज द इनर्शिया फोर्स, दिस इज द इनर्शिया फोर्स, दिस इज द मास एंड दिस इज द एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स यहां पर मास इंटू एक्सेलरेशन हमको पता है. अगर मैं बात करूं इनर्शिया कपल की, इनर्शिया कपल की, तो फोर्स की जगह आ जाएगा मेरा कपल सी आई. ठीक है, मास की जगह मेरा आ जाएगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर एरिया होता तो एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट यहां पर क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सी जी, और जो एक्सेलरेशन है वो आप एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो इनर्शिया कपल में दैट इज योर कपल, इनर्शिया कपल इज सी आई, दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दैट अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इन दैट केस यू आर गोइंग दीज टू थिंग्स, दैट इज इनर्शिया फोर्स एंड योर इनर्शिया कपल. नाउ डायनामिक्स में जैसा कि मुझे पता है कि मास और मोशन को दोनों को कंसिडर करना है, मास को कंसिडर कर रहा हूं तो इनर्शिया, जब भी मास के मोशन के साथ बात करूंगा तो हमेशा इनर्शिया वहां पर एक्ट करेगा, इसलिए मुझे इनर्शिया फोर्स और उससे मिलता जुलता कपल के बारे में बात करनी पड़ेगी. ठीक है, और मोशन है तो इस मोशन है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात. जो रियल बॉडी है वो रिजिड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. जो रियल बॉडी है वो इट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैं क्या करूंगा, उस डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब अलग अलग मासेस से मिलके बने, तो मैं उसको कन्वर्ट करूंगा टू और मानूंगा कि जो भी बॉडी है उसका मास कंसेंट्रेट कर रहा है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो इन दैट केस जो भी रियल बॉडी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको मेरे को कन्वर्ट करना है, तो मैं मानूंगा कि उसका जो मास है वो कंसेंट्रेटेड किस पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. और जो इनर्शिया फोर्स है ये सीजी पे एक्ट कर रहा है, इज एक्टिंग ऑन द सीजी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ और अपोजिट टू द एक्सेलरेशन. जैसा कि मुझे पता है कि इनर्शिया फोर्स हमेशा मोशन के अपोज करेगा, एक्सेलरेशन को अपोज करेगा, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इसके बाद आप लोग यहां पर इनर्शिया फोर्स दो या तीन तरीके का पढ़ने वाले हैं, इसमें एक यहां भी लिखवा दूंगा और जब जरूरत पड़ेगी तब भी. तो रिम टाइप अगर है और रिम टाइप डिस्क, ठीक, और एक है कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट डिस्क, रिम टाइप डिस्क और कंप्लीट डिस्क. तो जब रिम टाइप डिस्क की बात आएगी तो जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज रिम टाइप, तो इसका आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इसका रेडियस जो भी रहेगा. जब कंप्लीट डिस्क की बात करूंगा like that, तो इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा हाफ एम आर स्क्वायर. और अगर किसी तीसरे पॉइंट पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये कंप्लीट डिस्क है, इसको किसी एक पॉइंट के अबाउट मुझे अगर, जैसे ये इसका सी जी है और इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल ए, दैट इज गिवन बाय हाफ एम आर स्क्वायर. इसका जब भी किसी दूसरे पॉइंट पे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मुझे अप्लाई करनी पड़ती है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी और पॉइंट पे अदर देन सी जी, तो दैट पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट कि जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सी जी, दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि मास है तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड इट्स सी जी, उसका स्क्वायर, ठीक है. सो दैट हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड इट्स सी जी, इसका स्क्वायर. सो एम आर स्क्वायर. सो इन दैट केस आई ए विल बी 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है. नाउ दैट कंप्लीट्स द बेसिक्स ऑफ इनर्शिया फोर्स. एंड नाउ वन मोर थिंग इज देयर कि कभी अगर इन दैट केस अगर कहीं ऑफसेटिंग अगर है, ऑफसेट अगर मेरे को कहीं पर भी है, तो ऑफसेट के केस में हम लोगों को इनर्शिया फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज गिवन बाय ऑफसेट इज देयर, दैट इज गिवन बाय एच इक्वल्स टू के स्क्वायर अल्फा अपॉन में जो भी एक्सेलरेशन है. एंड ऑफसेट इज जस्ट लाइक दैट, अगर कहीं पर ऑफसेट लोडिंग है, अगर ये मैं लिंक को ले लेता हूं और ये इसके दो पॉइंट है, दैट इज सी जी, यहां पर अगर इनर्शिया फोर्स लग रहा है और अगर ऑफसेटिंग है उसकी एट अ डिस्टेंस एच, ये ऑफसेटिंग हो गया, सी जी यहां पर था, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट है, ये सी जी है और ये इसके ऑफसेट कितना है एच डिस्टेंस पे. तो इसको लिखने का एक तरीका है लाइक दैट, वहां पर एक इनर्शिया फोर्स लगेगा और एक मोमेंट भी लगेगा, दैट इज एफ आई इंटू एच. और इसको एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दैट, दैट इज एफ आई एट अ डिस्टेंस एच, ठीक है. सो इन दैट केस दैट एच इज गिवन बाय के स्क्वायर अल्फा अपॉन में एच, जब ये कहां से आया, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन दोनों के बीच में एच, एंड इट इज रिप्रेजेंट लाइक दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनर्शिया फोर्स, जो कि हम डायनामिक्स ऑफ मशीन में स्टडी करेंगे. इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ यहां पर एक फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया गया है कि एक जगह सारे फॉर्मूला हो जाएंगे, इसको हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको चेक करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू.